सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और गाइज, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपका अगर 4000 वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तो कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है, और क्या क्या स्टेप उसमें मांगे जाते हैं, और क्या क्या करना है, सारे आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी भाई न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई जो सब्सक्राइब किए वो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और इन तक भाई वीडियो के बने रहना, क्योंकि इन तक बने रहोगे तभी पता चलेगा कि कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप करने रहते हैं और कितने स्टेप ध्यान से बिना गलती के करने रहते हैं। तो भाई इन तक बने रहो। सो अब इसके आगे मैं अपना स्क्रीन पर दिखाऊँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि भाई अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग देख नहीं पाओगे क्या क्या स्टेप करने रहते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन पे गाइज। सो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, और मैं जा रहा हूँ अपने जीमेल का सारा सेटिंग चेक करने के, मैंने जो डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी थोड़े बहुत डिटेल अपने डाले हैं जीमेल में वो सही है या नहीं। तो मैं आ गया हूँ अपने जीमेल के मैनेज अकाउंट में। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ डाला है वो मेरी दीदी के डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है या नहीं। तो गाइज, मैंने जो डेट ऑफ बर्थ डाला है पूरा मैच कर रहा है, क्योंकि गाइज मेरा 18 ईयर हुआ नहीं है तो मेरे डॉक्यूमेंट से गाइज मोनेटाइज नहीं हो सकता। फैक्टर भी ऑन किया हुआ है, क्योंकि गाइज टू फैक्टर भी ऑन करने के लिए बोलता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन टाइम। तो गाइज वो भी मेरे जीमेल पे ऑन है। सो मैं चलता हूँ अब Y2 स्टूडियो क्रोम के। सो गाइज मैं आ गया हूँ क्रोम के होम पेज पर, और मैंने यहाँ डेस्कटॉप मोड ऑन कर दिया और Y2 स्टूडियो सर्च किया, तो गाइज ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज मैं आ गया हूँ अपने चैनल के होम पेज पर, तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी आया हुआ है, बट गाइज बहुत पहले आया था, जो मेरे 14 नवंबर को ये स्ट्राइक एक्सपायर कर जाएगा। तो गाइज मोनेटाइजेशन टाइम फर्स्ट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, मेरे चैनल पे अप्लाई का ऑप्शन भी आ गया है, और कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस या कोई भी स्ट्राइक अदर नहीं आया हुआ है, सिर्फ एक स्ट्राइक आया है चैनल पर और मेरे मोनेटाइजेशन टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। सो गाइज मैं बिना टाइम वेस्ट किए गाइज चलो चलते हैं अपना चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो गाइज पहला स्टेप में आप देख सकते हैं रिव्यू बेस्ड टर्म एक स्टेप वन है, जो आपको बहुत सारे यहाँ मैनुअल्स दिए हुए हैं क्राइटेरिया पढ़ने के लिए, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हो तो गाइज आप नीचे जाओ और एक टिक करने का ऑप्शन रहेगा, आई एक्सेप्ट ऑल दी बेस्ड टर्म करके लिखा हुआ रहेगा गाइज, उसे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट करके अपना सेकेंड स्टेप पर चल जा सकते हो। बाकी आप चाहो तो पढ़ सकते हो गाइज, नहीं तो आप टिक करके आगे बढ़ जाओ। सो गाइज मैंने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया, आप सेकंड स्टेप आप देख सकते हो रिफ्रेश हो रहा है गाइज, सेकंड स्टेप भी अनलॉक हो गया। मैं सेकंड स्टेप गाइज फिलअप करने जा रहा हूँ। सो गाइज चैनल पर बने रहे, तो गाइज यहाँ पर सेकंड स्टेप ओके करने के बाद देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर इंटरफेस क्या शो कर रहा है। यहाँ पर लिख रहा है गाइज आपने पहले से चैनल बनाया हुआ है एडसेंस के लिए तो यस कर दो, अगर नहीं बनाया हो तो गाइज नो कर दो, अगर नहीं जानते तो आई डोंट नो कर दो, उसके लिए पहले वीडियो देख लो। तो गाइज मैंने नहीं बनाया हो तो मैंने नो कर दिया, उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। तो गाइज मैं एडसेंस अकाउंट अपने यूट्यूब चैनल वाले जीमेल से ही बनाऊंगा। तो गाइज मैंने अपना जीमेल सेलेक्ट कर लिया, आप भी अपना जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो गाइज ये इंटरफेस जैसे ही आप सेलेक्ट करो तो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड गाइज योर वेबसाइट जो है उसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस वहाँ पर आपको यस करना है कि कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको नोटिफाई करें। तो और गाइज आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, आप कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो अपने एडसेंस के लिए। और गाइज यहाँ पर भी बहुत सारे मैनुअल दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप नीचे जो टिक करने के लिए दिया है यस आई हैव अग्री ऑल एक्सेप्ट जो भी है ब्ला 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 गाइज वो टिक करके आप क्रिएट अकाउंट में जा सकते हैं। सो गाइज मैंने टिक कर दिया, अब मैं क्रिएट अकाउंट में जा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर इंटरफेस देखो कैसा ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइज, नेट का थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मेरे घर साइड, बट कोई नहीं। सो गाइज जैसे ही मैंने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे गया तो गाइज यहाँ पर देखो अकाउंट टाइप में आपको इंडिविजुअल ही छोड़ना है, उसके बाद नीचे आपको अपना डिटेल फिलअप करना है, नेम में आपको वही नेम डालना है जो आपके पैन कार्ड या गवर्नमेंट आईडी पे जो नेम है जिस आईडी से आप मोनेटाइज करने वाले हो वही नेम डालना है गाइज। और उसके बाद एड्रेस लाइन वन, अगर उसमें आपका एडजस्ट हो जाता है एड्रेस पूरा तो एड्रेस लाइन वन में फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है सिटी पे गाइज, सिटी आप जहाँ से आप बिलोंग करते हो आप सिटी डाल लो। उसके बाद फिर आपको पोस्ट कोड, भाई पिन कोड होता है, पिन कोड को ही पोस्ट कोड बोलते हैं, तो आपके एरिया का जो भी पोस्ट कोड है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अपना स्टेट डालना है,
कहाँ से बिलोंग करते हैं गाइस, वो सब मैं अपना भर फिलअप कर लूँगा। एंड फ़ोन नंबर जो आपके पास हमेशा ऑन रहेगा, जो परमानेंट फ़ोन नंबर है गाइस, वही फ़ोन नंबर दें, क्योंकि बाद में मैं भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो गाइस मैं अपना परमानेंट फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, वैसे ही आप लोग अपना फिलअप कर लेना। और गाइस फॉर्म फिलअप करने टाइम एक बार नहीं 10 बार अपने फॉर्म को रीचेक कर लेना, क्योंकि ये गाइस एक बार आप फिलअप कर दोगे गलती हो जाएगा गाइस, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख लो, अपना अप्लाई करने टाइम थोड़ी सी मेहनत, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे और क्या, बट गाइस थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है इसमें। फॉर्म फिलअप करो अच्छे से, रीचेक करो, रीचेक बार बार करो, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए कि हाँ मैंने सही फॉर्म फिलअप किया है। सो गाइज मैंने तो फॉर्म फिलअप कर दिया, थोड़ा मैं भी रीचेक कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम में ही मैं फिलअप करते हुए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम होता है। और गाइज आप लोग है कि लाइक करते नहीं हो। सो गाइज मैंने यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दिया और सबमिट करने जा रहा हूँ अब गाइज। थोड़ा सा मैंने अपना डिटेल को हाइड कर दिया, क्योंकि भाई पर्सनल डिटेल है। तो गाइज मैंने सबमिट कर दिया है, ये आपको नहीं दिखा है यहाँ पर क्योंकि मैंने वहाँ हाइड किया हुआ। सो गाइज मैंने सबमिट किया है, तो यहाँ पर एक रीडायरेक्ट का ऑप्शन आता है। अगर आपका ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा। अभी आएगा गाइज आगे रीडायरेक्ट का ऑप्शन। गाइज तो यहाँ रीडायरेक्ट का ऑप्शन आ चुका है, अगर आपका ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मैनुअली वहाँ पर रीडायरेक्ट क्लिक करोगे, तो जहाँ से आपने अपने चैनल को अप्लाई करने के लिए स्टार्ट किया वहीं पर आप चल जाओगे और वहाँ पर आपको सारा स्टेटस शो हो जाएगा। तो गाइज मेरा सेकंड स्टेप इन प्रोसेस में दिखा रहा है, और सेकंड स्टेप को कंप्लीट होने में दिखा रहा है गाइज की 2 to 3 वीक, बट लगते नहीं है गाइज इतने, 3 से 4 घंटे में आपका चैनल सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आपका चैनल रिव्यू में चला जाएगा। और रिव्यू में जाएगा तो गाइज यहाँ पर भी लिख रहा है कि 1 मंथ लगेंगे, बट 1 मंथ नहीं लगते गाइज, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइज जो भी अपडेट है वो मैं आपको अपने चैनल पे देते रहूँगा। सो गाइज जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बंदे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो किए हों भाई लाइक करके जरूर जाना, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। सो गाइज गाइज तो जैसा आप लोगों ने सारे स्टेप देख ही लिए कि कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने हैं, क्या क्या स्टेप लगते हैं, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, या फिर क्या क्या वहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल लिए जाते हैं, वो सारे मैंने इसमें दिखा दिए। अभी तो भाई कुछ नहीं लिया, नॉर्मल से थोड़ा सा आपका डिटेल लिया है, और मेरा चैनल जो है गूगल एडसेंस का साइनअप के लिए चला गया है, इट मीन्स क्रिएट होने के लिए। अब जैसे ही वो वहाँ से हो जाएगा साइनअप तो भाई आपका कुछ नहीं, उसमें भी 2 से 3 वीक लिखा है, बट भाई 2 से 3 वीक लगे हैं, 3 से 4 घंटे वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में चला जाएगा, और रिव्यू में जाने में भी भाई उसमें भी लिखते हैं 1 मंथ लग जाते हैं, बट भाई 1 मंथ लगते नहीं है, उसमें भी आपके कम ही टाइम में आपका वो भी चैनल रिव्यू में चला जाएगा, और रिव्यू कंप्लीट होने के बाद आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज, आप बन जाओगे यूट्यूब के पार्टनर। सो गाइज ये था सारा स्टेप जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट पार्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें आपको क्या करने रहेंगे जब आपका चैनल ये पूरा रिव्यू होके आ जाएगा, पार्टनर आप बन जाओगे यूट्यूब के, तो उसमें आपको अपने लॉन्ग वीडियो पे ऐड कैसे अप्लाई करने हैं, शॉर्ट वीडियो पे कैसे ऐड अप्लाई करने हैं, मेंबर कैसे क्रिएट करने हैं, उसके बाद फिर आपको सुपर चैट कैसे इनेबल करने हैं, वो सारे मैं नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम ईजी वे में आपको बताऊँगा गाइज। इस वीडियो को भी मैंने इस पार्ट में भी जितने डिटेल थे वो सारे मैं ईजी वे में बताया हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो भाई लाइक करके जरूर जाना, जो न्यू बंदे हैं वो सब्सक्राइब कर रहे बिना मत जाना भाई।